तो जैसे कि यहाँ पे केक जलाया जा रहा है, तो गाइस जैसे कि मेरा छोटा भाई आ चुका है देहरादून से, और इसको ढेर सारी बधाई यार कमेंट में बधाई। और ये कुल मेरी बेइज्जती मारता रहता था, आप तो इसकी बेइज्जती फुल फुल तरीके से लेंगे, ठोक पीट के लेंगे इसकी बेइज्जती को। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। तो जैसे कि मैं अंकित भारती, मैं रुद्र बैग से बिलोंग करता हूँ और मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है मार्केट में। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए यार, बहुत कम कर रहे हो तो उसे लग कर दिए। और जैसे कि कल का ब्लॉग आपने देखा, घर में काम किया था तो शाम को बारिश लग गई थी, तो वैसे में फिर भी लगे हुए थे तो काम निपटा दिया। तो आज जो है हल्का फुल्का बाहर का काम है वो होगा, तो आज दिन में देखते अगर घर जाने का प्लान बना तो जाएंगे, नहीं तो आज पूरा मार्केट में जो भी दिनचर्या रहेगा पूरा वो रिकॉर्ड होगा। देखते हैं ब्लॉग में, इसमें भी इंटरटेनमेंट लेंगे और इसमें भी कुछ नया दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको घर का दिखाया था, वो घर का जो कमरा था वो बनाया था, आज मैं आपको यहाँ की अपनी जो शॉप बन गई है वो दिखाऊँगा। और साथ ही साथ आप खूब मिलाते हैं, ये आ चुका है यहाँ पर UP20 ब्लॉगर, ये आम बेच के आया है। आम बेच के तो कितने आम खाए थे ने? इज्जत क्या खराब, कितने आम खाया, इज्जत क्या खराब। अच्छा बेटा, अपने टाइम पे इज्जत याद आ रही है ना? ना गाइस देख रहे हो, गाइस देख रहे हो, इज्जत खराब कर रहे हो। पुलिस के ब्लॉग चेक करना UP20 ब्लॉगर, और सब्सक्राइब तो जरूर करना इसको भी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाला मैंने और वीडियो में भी डाल दूंगा। और ये कुल मेरी बेइज्जती मारता रहता था, आप तो इसकी बेइज्जती फुल फुल तरीके से लेंगे, ठोक पीट के लेंगे इसकी बेइज्जती को। हाँ तो बोलो, एक चीज और दिखा दूंगा। हाँ तो एक चीज दिखा, मैं सौ चीज दिखाऊंगा तुमको, बता चल बता। ये कौन है? कोई वाली वीडियो है नहीं है, इंस्टाग्राम पे चल लिए कुछ रखा है वो अगर पड़ा। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल तूने मिस कर दिया, तो हमने स्विमिंग पूल बहुत सारी मस्ती की। भाई कॉलिनी की, कॉलिनी की तुमने आने का था ना, कॉलिनी की मेरे को लगा तो दुकान पे है रहा है। वो भी मुझे परसों बात हुई कॉल पे, तो कह रहा मुझे मामा मैं तो आपका फैन हूँ, आपकी वीडियो सही है, हंसते रहते हो और मजा भी आती है, यह की बोरियत नहीं आती। तो मैंने कहा इंटरटेनमेंट करना जरूरी है आप लोगों को, अगर आप इंटरटेनमेंट में मस्ती नहीं लोगे तो फिर क्या होगा। कमेंट आ रहे हैं बंदों के, इधर तो देखो किसके कमेंट आ रहे, इधर तो देखो, लगे रहो लगे रहो। किसका है? तेजपाल। अच्छा तेजपाल बोल रहा था, अब वो इसलिए लिखा हुआ ना, वो अगर गोप्रो होता तो और अच्छा होता। क्या करे भाई, मनी प्रॉब्लम है, तो शेयर गाइस सपोर्ट करो यार, आप सपोर्ट करोगे तभी तो गोप्रो लाएंगे, तभी तभी तो बनाएंगे। मेरे पापा का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, परसों ट्रिप बनी है हमारी संडे में जाने की चंद्रशिला। एक मिनट जो सबर कर, सबर करो, सबर नहीं होता, नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पापा का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे कि मैं आप एक क्या बोलते, छोटा सा मैंने गोप्रो लेते उसकी क्लियरिटी पूरी आई नहीं, तो ऐसे ही पापा ड्रामे करने लगे, क्या अगर तुझे दुकान में बैठना है तो दुकान में बैठ ले, ये तो वो ट्रैवलिंग ही कर ले। तो यार उनको कौन समझाएगी, इसमें भी यार एक नाम है, एक फेम है, अगर निकल गए तो बढ़िया है यार, यूट्यूबर बनने का बहुत बड़ा निकलते हैं भाई, एक दो साल निकलना चाहिए यार। बस हम मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत का फल जरूर मिलता है, तो बस कभी भी यार कोई मेहनत करते ना उससे पीछे मत हटा करो, कोशिश करा करो, एक ना एक दिन वो फल जरूर मिलेगा। तो इसीलिए देखो यार, अब मैं बाकी आपको चलो मत बराबरी करो, बस बराबरी करने में जो मजा है वो जलने में नहीं, बाकी यार जलने वाले बहुत हैं, अगर आप दूसरे को जलोगे तो वो क्या करेंगे, और बोलने वाले भी बहुत मिलते हैं, इग्नोर इग्नोर कर लो, बल्कि लोगों का काम है बोलने का, ये वीडियो मत बना, ये होगा वो नहीं होगा। भाई ये मेहनत करोगे, मेहनत का तो फल मिलता है। मान लो तुम काम कर रहे हो, कुछ मजदूरी कर रहे हो, 500 रुपए मिले, नहीं मिले 1000 मिले, 500 मिले, शाम को ही तो मिलेगा। ये थोड़ी ना तुम जाओगे एक तसला उठाओगे और तुम्हें सीधा 500-1000 दे देंगे, भाई पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी तब तुम्हें 1000 या 500 मिलेंगे। इसी में भी इसने एक साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा। दही गुजरे सन राइटर का देखा आपने, 4 साल में अवार्ड मिला, 4 साल मेहनत की बंदे ने, मानो चलो बहुत बड़ी बात है भाई, 4 साल जैसा कि आपको और आगे आगे मिलाते रहेंगे, और आप लीजिए ब्लॉग का मजा, तो हम मिलते हैं आपको। गाइस फाइनली जैसे मैंने बोला था मेरा भांजा आ रहा है ऋषिकेश से, तो आप देख सकते हो ये है मेरा भांजा, ये ऋषिकेश से, तो बहुत मजे कर रहे हो यहाँ पे आज, बहुत अच्छा लग रहा है मामू के साथ आके। प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अभी मजा आएगा, और वीडियो देखने के लिए जरूर बने रहे हमारे साथ।
धन्यवाद। तो ब्लॉग कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत देखने में गाइस। अगर कुछ भी कमी हो तो ज़रूर बताएं प्लीज़, आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ा ऐसी ब्लॉग भेजते रहेंगे आपको, बाकी आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जैसे कि भांजे ने ये बात सही बोली है, जैसे कि कोई गलती मिलती है तो मेरे को बता सकते हो आप लोग कि आपके उसमें भाई ये गलती है, ये है, तो इसे सुधारो थोड़ा। तो भाई हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो भी गलती है सारी सुधारें और परफेक्ट तरीके से ब्लॉग को आप तक पहुँचाएँ। तो जैसे कि आजकल थोड़ा मैंने अपना टाइम शेड्यूल भी बना ही लिया, सुबह 7:30 से लेके या 7 बजे 8 बजे तक मेरा ब्लॉग आ जाता है। तो आप देखिए, हो सकता है कभी लेट हो जाए या किसी कारण ब्लॉग ना बन पाए तो ये मत सोचना। तो वैसे कोशिश तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं सुबह डेली आ रहे हैं, अब तो कोशिश पूरी है कि डेली ब्लॉग आते रहें, इसमें गैप ना पड़े। और गैप पड़ गया तो समझ लेना कोई परेशानी चल रही है। तो बाकी देखते रहो, आगे की शॉर्ट आपको बताते रहेंगे, अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो आगे मिलते हैं आपको सीधा सीधा मज़े के साथ, मज़े मज़े में और क्रेजीपन में आपको आगे मिलेंगे। क्या बोलते हैं ड्यूड? यार जरूर। जैसे कि मैंने बोला वो मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं यहाँ से ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी है मेरे भांजे का बर्थडे, सो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये पार्टी तैयारी चल रही है पूरी, और साथ ही साथ चिल्लर पार्टी पूरी बर्फ। हेलो, जैसे कि मैंने बोला था कि जब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर नहीं पाया तो इस टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे टाइम मिला नहीं। तो अभी यहाँ बर्थडे की पार्टी चल रही है, तो इस चीज़ का अभी तैयारी कर रही है। तो अभी आपको जैसे कि यहाँ पे केक जलाया जा रहा है, तो ये देखो तो बोल मजे ले रहे हैं, चिल्लर बाल्टी इधर सब दोबारे पकड़े सब इधर छोटे छोटे बर्थडे बॉय। तो गाइस केक खिलाए जा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो हमारे लाली जी और ये भैया बनाते हुए। तो फुल टीका चल रहा है और केक खिलाए जा रहे हैं, तो चिल्लर बाल्टी भी दिखा रहे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे केक की तैयारी चल रही है, फूले केक करके सब खा रहे हैं। अभी इसके बाद हम चलते हैं आगे, अभी हमारी वीडियो बनाई जाएगी, अभी हम भी केक खिलाते हैं। आ जाओ बंडी, इधर आओ, थोड़ा फोन पकड़ना। ज़्यादा केक खाने जा रहे हैं आप।
चलो चलो वहाँ देखो वहाँ हाँ एक वीडियो बनी था फोटो खींच ए चलो तो गाइस जैसे कि ये बैठे इधर केक उठा के बाहर में अब अंदर चल रही पार्टी अंदर का भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसे कि यहाँ चल रही है फुल पार्टी और ये केक बांटा जा रहा है सबको। ये एक बार ही मेरी छोटी बहन और ये हमारी भाभी जी। तो अब ये पार्टी चल रही है फुल केक जो है कट करके सबको दे रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो चलो दिन का ब्लॉग क्योंकि रह चुका था तो मैंने कहा अभी इसे पूरा कर लेंगे तो मॉर्निंग में 8 बजे आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस ब्लॉग को कटिंग यही है। ठीक है टेक केयर बाय बाय। तो मिलते हैं आपको आगे वाले अगले ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि मेरा छोटा भाई आ चुका है देहरादून से और इसको ढेर सारी बधाई और कमेंट में बधाई जरूर देना। तो ये है इसकी व्यू कार्ड। तो चलेंगे फिर सामान लाइट में बहुत मज़ेदार चलेंगे फिर सामान लाइट में। तो आपको और अच्छे तरीके से अब जो ब्लॉग चलेगा साथ में चलेगा तो प्लान बनेंगे अच्छे वाले। तो आप आगे तैयार अब कल का ब्लॉग जबरदस्त बनाएंगे तगड़ा वाला। चलो मिलते हैं आप उसे।